प्यारे दोस्तों, अक्सर हम अकबर बीरबल की कहानियां सुनते रहते हैं, मगर कुछ कहानियां ऐसी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। उसी में से ये एक कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो आइए, देर किस बात की, सुनते हैं आज की कहानी, सच्ची दोस्ती का मूल्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वो सोच में डूबे हुए थे। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि सच्ची दोस्ती असली मूल्य क्या होता है। उन्होंने अपने दरबारियों से ये सवाल किया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने बीरबल से ये सवाल पूछा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना के तहत तैयारी शुरू कर दी। बीरबल ने अपने एक मित्र को बुलाया जिसका नाम रामू था। रामू एक साधारण किसान था और उसने कई बार बीरबल की मदद भी की थी। बीरबल ने रामू से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रामू ने कहा, ठीक है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बीरबल ने कहा, तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँ। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वो रामू के घर जा रहा है और कुछ दिनों के लिए वहाँ रहना चाहता है। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। दरबार में घोषणा की गई कि बीरबल कुछ दिन के लिए दरबार में हाजिर नहीं रहेगा और वो रामू के घर रहने जाएगा। जब बीरबल रामू के घर पहुंचा तो रामू ने अपने मित्र का स्वागत किया और उसे अपने घर में आराम से रखा। बीरबल ने देखा कि रामू के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने अपने मित्र की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने वो सब कुछ किया जो एक अच्छे मेहमान के लिए किया जाता हो। बीरबल ने देखा कि रामू अपने खेत में काम कर रहा था और अपनी फसल के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन बीरबल ने जानबूझकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। उसने रामू के खेत में आग लगा दी और उसकी फसल जलने लगी। रामू ये देखकर बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन उसने बीरबल से कोई शिकायत नहीं की। उसने बीरबल को कहा, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो बस एक दुर्घटना थी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को अपनी योजना के बारे में बताया और उसे रामू के घर आने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने देखा कि रामू के घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी रामू ने अपने मित्र की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अकबर ने देखा कि रामू ने अपनी फसल की बर्बादी के बाद भी बीरबल को अपना सबसे प्रिय मित्र माना। अकबर ने रामू से पूछा, तुम्हारी फसल जल गई, तुम्हारा घर मुश्किल में है, फिर भी तुम बीरबल को अपना मित्र मानते हो। रामू ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची दोस्ती किसी भी कठिनाई से ऊपर होती है। बीरबल ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं भी उसका साथ देते रहूंगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ की और रामू की सच्ची दोस्ती को मान्यता दी। उन्होंने रामू को अपनी फसल की बर्बादी के लिए मुआवजा भी दिया और उसे दरबार में एक विशेष सम्मान से नवाजा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्ची दोस्ती का मूल्य किसी भी धन दौलत से अधिक होता है। ये वो धन है जिसे ना तो चुराया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और योजना के माध्यम से अकबर को सच्ची दोस्ती का असली मूल्य समझाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा निष्कपट, निस्वार्थ और अटूट होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चा मित्र हमेशा साथ रहता है और हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।